अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है? ठीक। मैम क्या करती हैं? स्टडी करती हूँ, आई एम स्टूडेंट। मेरा आपसे सवाल है कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे जो है वो इस तरह मनाया गया है कि दुबई में, ठीक है, और सिडनी में, हत्ता के यहाँ तक के स्पेस में भी इंडिया के झंडे लगाए गए हैं। तो पाकिस्तान एक मुस्लिम ममालिक का सदर की हैसियत से नहीं लेकिन पावर रखता है इतनी कि एटमी ताकत भी है, तो हमें इस तरह का प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया जाता? हमें नहीं चाहिए प्रोटोकॉल। अगर बुर्ज खलीफा पे और बड़ी बड़ी इमारतों पे लगा के आप लोग झंडे और अपने कंट्री में शौचालय नहीं ना बनवा सकते तो कोई फ़ायदा नहीं उस बुर्ज खलीफा के झंडों का। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें ना कि जो इंडिया है वो एक पावर है, मतलब पावर से मुराद ये है कि उसकी मैशियत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो दुनिया उसको मानती है, ठीक है, इस वजह से उसको दुनिया में अहमियत मिलती है, ठीक है, उसको हर चीज़ के बारे में उससे पूछा जाता है, उसकी दुनिया में मानी जाती है। इसके बारे में साहब पाकिस्तान का पूछते हैं तो पाकिस्तान भी इस्लामी ममालिक के अंदर एक उसकी वैल्यू है लेकिन दुनिया उसको एक ना वो कहते हैं वो हकारत की निगाह से देखती है, यार क्या मांगने वाला मुल्क आ गया। तो इसके ऊपर वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा हम अपने मनारे पाकिस्तान पर झंडा लगा लेते हैं और थोड़े से फायरवर्क्स कर लेते हैं और कहते हैं यार कमाल हो गया जी। पाकिस्तान को ऐसा प्रोटोकॉल क्यों नहीं दे रहा, ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले जो मेरी बात है, ठीक है, ये जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, ठीक है, जितने भी ममालिक हमारे साथ लिखते हैं वो सियासत करते हैं बाहर के मुल्क की, कितनी क्या करते हैं बाहर के मुल्क की सियासत करते हैं, बाहर के मुल्क में जाके बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं, यानी कि पाकिस्तान ये उनके अवाम करती है। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में सिर्फ ये होता है सियासत होती है पाकिस्तानी के आपस में, आप आ गए, मैं आ गया, वो आ गया, हम आपस में बातें आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो वो ये है कि वो कभी आपस में लड़े झगड़े तो है नहीं, हम सिर्फ वो क्या कहते हैं कि एक कुर्सी लेने खातर आपको बुरा कह रहा हूँ, वो दूसरे को बुरा कह रहा हूँ, तीसरे को बुरा कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो इंडिया को क्यों लहराएगा आपका सवाल ये था, ठीक है, वो इसलिए कि उन्होंने सियासत की बाहर ममालिक की क्योंकि उन्होंने लेन देन किया बाहर के ममालिक से। पाकिस्तान ने क्या लेन देन किया है मुझे ये बताओ पहले। मेरा ख्याल है इस काबिल नहीं है, हमारा सदर काबिल नहीं है, प्रेसिडेंट इस काबिल नहीं है, हमारे हमें आगे प्रोवोक नहीं करता, प्रमोट नहीं करता हम लोगों को, और हम लोग इतने ज़्यादा इस काबिल भी नहीं है, इंडिया इस काबिल है टू बी ऑनेस्ट, वो है इस काबिल, उसका डेमोग्राफिक वाया देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए और हर चीज़ में वो पावर रखता है, उसका सब कॉन्टिनेंट में भी बड़ा हिस्सा था और उसका बाद में अब अंग्रेज़ों के मुल्क में भी उसका बहुत हिस्सा है, मतलब बहुत पावर है, अंग्रेज़ उसको मतलब जानिए माना शहर है, हमारा किसी कोई टैलेंट ही नहीं है, वहाँ के मसाले और ये सब चीज़ें इतनी फेमस हैं, यहाँ पे कुछ भी फेमस ही नहीं है, कुछ भी नहीं, एक बार फुटबॉल बना के भेज देते हैं हर वर्ल्ड कप पे फीफा के जी। जो यहाँ बस वो चलता है जी, सियालकोट से वो जाता है जी बस। लेकिन अगर बात की जाए आप टैलेंट की बात करें तो टैलेंट पाकिस्तान में बेशुमार है, उसको मतलब के प्रमोट नहीं किया जाता, जाहिर नहीं किया जाता। हाँ सही है, यहाँ तो इसकी कोई खास वजह आप कल्चर बताएं, नहीं कौन है ऐसा, कल्चर नहीं है ऐसा, तो इसकी निस्बत इंडिया क्या मतलब क्या करता है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ से बच्चों को बचपन से ही शुरू कर देते हैं उनको टैलेंट सिखाना, हम में से किसी किसके पास है इतना टैलेंट, किसी के पास भी नहीं है, कोई टैलेंट नहीं होगा सिवाय पढ़ाई लिखाई के, हमारे यहाँ सिर्फ एजुकेशन है जिसको कहा जाता है कि आप बस ये कर लें तो सब कुछ बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, हालांकि जो अच्छा जो गरीब है उसके पास ज़्यादा टैलेंट है, वो समोसे बेच सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, उसको खरा खरा आप उसको बताएंगे वो पैसे कमा के दिखाएगा आपको, एक एजुकेशनिस्ट जॉब के लिए जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, वो आप एजुकेशनिस्ट उसके हिसाब से बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं आईटी की फील्ड में तो पाकिस्तान में आईटी का कोई इतना खास काम नहीं किया गया नहीं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो हैकर हैं पूरे वर्ल्ड में मशहूर हैं, इसकी भी कोई वजह बताएं, इस तरह तो इंडिया के भी इंडिया में तो आईटी की बहुत सी फील्ड्स हैं, इसमें फेमस है हैक्स में जी, उल्टी चीज़ों में, मतलब स्कैम में फेमस, स्कैम में फेमस है इंडिया का, देखा है आप लोगों ने, आप ये नेटफ्लिक्स पे देख लें जितनी सीजन्स हैं, मनी हाइस्ट देख लें, उसमें भी पाकिस्तान को ऐसे दिखाया गया कि वो सिर्फ हैक्स ही कर सकता है बस, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, वो उल्टी चीज़ों में जितनी आप उन चीज़ों को मना करेंगे वो वही चीज़ें करेंगे, आपने इंडिया में देखा कुछ ऐसा? यहाँ पे हमारे पास कम से कम पब्लिक टॉयलेट्स हैं, हमारी आवाम जगह जगह बैठ के जो है वो मूत्र विसर्जन नहीं कर रही होती, तो इसलिए झंडे लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो हमें ना माशाल्लाह से वैसे ही इज्जत मिल गई है, तो अभी हमने रिसेंटली जो है वो नू बट नाम के बंदे ने इनके इंडिया के बंदे को जो है पीछे छोड़ के गोल्ड लिया है और इंडिया ने जो है वो ब्रॉन्ज लिया या जो भी लिया वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो पीछे था हमारे से, ठीक है, तो इस तरह इतना गरूर नहीं करते हैं, मुझसे लोग पूछते होते थे कि हाँ जी बताएं आप लोगों ने क्या अचीवमेंट्स की हैं, तो अचीवमेंट्स का सिलसिला हो गया शुरू, तो अब आप लोग जो है ना अपनी रस्सियाँ जो है ना कस लें और प्लीज़ शौचालय बनवा लें ताकि जगह जगह बैठे नजर ना आए आप लोग, ठीक है भाई, अपनी दुनिया में वर्थ बनाओ, पहले वर्थ बनेगी तो फिर ये सारा कुछ चलेगा ना, ऐसे ऐसे नहीं होता कि भैया आपके मुल्क के अंदर ही सारा चीज़ें हो रही है,
कर्जा ही आपका मुल्क हुआ हुआ है और आप कह रहे हैं कि आपके झंडे बाहर स्पेस में लगेंगे, शुक्र करें कि पाकिस्तान में लगा रहे हैं, इधर जो थोड़ा बहुत हो जाता है इस पर आप अपना खुश हो जाया करेंगे। स्पेस वाला काम तो छोड़ देना कि बुर्ज खलीफा पे, इंशाल्लाह टाइम आएगा कभी जब पाकिस्तान तरक्की करेगा, उस लेवल पे पहुंचेगा जो अभी तक हमारा जो हम इंडिया के साथ मुकाबला कर सकेंगे। सो होपफुली है कि इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान भी उस लेवल पे पहुंच जाएगा। जी सर, आपने वर्थ की बात की तो कि पाकिस्तान इतनी पावर नहीं रखता, पाकिस्तान की इस ना वर्थ होने पर क्या किसको मतलब कि इसका इल्ज़ाम समझते हैं आप? यार इसमें यही है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, ठीक है, उनको आप देख लीजिए कि हुक्मरानों ने मतलब कि अपने आप को उन्होंने कहाँ पहुँचा लिया है और हमारा मुल्क कहाँ पे पहुँच गया है। तो जब तक वो हमारे हुक्मरान ठीक नहीं होंगे और जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तब तक हमारा कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। वो कहते हैं ना कि हुक्मरान भी वैसे ही मिलते हैं जिस तरह के वो उसकी आवाम होती है। जी सर, तो ठीक है, तो अब हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा तो मुल्क के लिए फिर अच्छा हो सकता है। हमें कौन से ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे जिसकी बुनियाद पर हम इस तरह उस हद तक पहुँचे जहाँ तक दूसरी कंट्रीज हैं? यार देखो, आप वैसे नो डाउट कि हमारी वैल्यू बहुत आगे है सबसे भी, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बात करता हूँ, एक पाकिस्तान एक बहुत अहमियत का हामिल रखता है भैया, आप माने अहमियत बहुत है पाकिस्तान की पूरे वर्ल्ड में, लेकिन मैं बात करूँ कि हम कौन से ऐसे इकदाम करें कि इसको और आगे बढ़ा सकें? यार मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, फिर वो कहते पॉलिटिकल बात हो जाती है कि जब वर्थ बनना स्टार्ट हो जाती है ना तो आपका मुल्क दोबारा से वापस जाना स्टार्ट हो जाता है। इमरान खान का दौर था तो उसमें नो डाउट के इमरान खान ने मतलब कि ग्लोबली पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश की थी कि उसका ग्रीन पासपोर्ट का ना वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जब से ये दोबारा हम कह सकते हैं कि जो दूसरी गवर्नमेंट्स नून लीग वगैरह आए हैं तो ज़्यादा इसकी नई पॉपुलैरिटी नहीं है, इनको जहाँ भी जाते हैं कोई भी इनको मुँह नहीं लगा रहा, इवन के पाकिस्तान के वहाँ भी इनको मुँह नहीं लगा रही, तो ये वही लोग हैं ना जो पाकिस्तान को डुबोने वाले। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान ने बहुत अच्छे काम कर दिए, वो भी इन्हीं में शामिल है, ठीक है, तो ये अगर ये लोग सारा सेट करेंगे तो फिर ही पाकिस्तान सेट हो सकता है, अदरवाइज। आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? इस हवाले से ही मेरा पैगाम है कि भाई मुल्क की तरक्की के लिए जितना भी कर सकते हैं करें, ठीक है, और जितना भी इसको हर बंदा इंडिविजुअली अपना रोल इसके अंदर प्ले करे और इसको जितना मतलब कोई तरक्की की राह पे गामजन कर सकता तो कर सकता। इंडिया में हमसे ज्यादा स्कैम्स होते हैं और ज्यादा बात है कि शो नहीं किया जाता, तो फिर अगर यहाँ क्यों शो किया जाता है, ऐसा क्यों है? हमारे इधर हर बंदा ही करप्ट है, आप कहती हैं हाँ। जिस वजह से शो होते हैं, नीयत ही खराब है, ईमान ही खराब है, ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे अब आखिर में ये सवाल है कि आप हमें बताएं कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि हम भी अपने जो है अपने मुल्क का जो परचम है वो हम बुलंदियों पर देख सकें। हमें सोचें बदलने की बहुत ज़रूरत है, हमारी सोच बहुत ख़राब हो चुकी है, हमारे ईमान कमज़ोर है, नीयतों का दारोमदार सब कुछ, वो कहते हैं ना नीयत पर है हमारा हर चीज़, वो नीयत नहीं है हमारी। हम हर काम में पहले शॉर्टकट ढूंढेंगे, हराम ढूंढेंगे और फिर उस चीज़ को अपनाना चाहेंगे। पाकिस्तान ने कोई ऐसा लेन देन किया किसी, हालांकि कुछ हमारे जो अभी जो हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, ये कुछ लंदन को सपोर्ट करती है, ठीक है, तो कुछ जो है उनके खिलाफ बोलती है, तो ये चीज़ जो है फिर ये अफरा तफरी करती है, तो इस हिसाब से मुझे जो आइडिया था तो इस हिसाब से होगा। तो हमें कौन से ऐसे काम है, कौन से ऐसे इकदाम है जो उठाने चाहिए कि आने वाले चंद सालों में हम भी अपने जो झंडे वगैरह हैं ऐसी जगहों पर लहराएँ और मतलब कि हमारा भी एक अहम जो रुतबा है हमें वो मिल सके? हाँ, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि पाकिस्तान को सबसे पहले ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना इसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है, इसको ख़त्म करके फिर जो है आप सियासत करें बाहर के ममालिक की, उनसे जाके मिलें, ठीक है। जैसे कि आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, आप बिजनेसमैन हो ना, ठीक है, आप क्या करो, आप दुकान पे बैठे रहोगे क्या बिजनेस हो जाएगा? नहीं होगा। आप जाओगे लोगों से मिलोगे, बातचीत करोगे, ठीक है, जब आपकी बात होगी तब भी कहेगा हाँ यार वो बंदा मेरे पास आया था, तो फिर आपको प्रोटोकॉल मिलेगा। जब आप आपस में लड़ते रहोगे तो फिर कोई प्रोटोकॉल भैया नहीं मिलने वाला, और बस यही है कि आपस में इखलाक प्यार से रहें, ठीक है, दूसरे ममालिक में जाकर सियासत करें और उनसे लेन देन करें, उनसे एक्सपोर्ट करें, और जैसे कि ट्रांसपोर्ट चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत कम चीज़ें बाहर ममालिक की आती हैं, ठीक है, टैक्स लगे तो महंगी भी हो जाती हैं, लेकिन हम जो है लेन देन नहीं करते। सबसे पहली वजह ये है क्योंकि कोई जो है आपको फ़ायदा कब देगा? अगर आप मुझे फ़ायदा देंगे तो मैं आपको फ़ायदा दूँगा, अगर आप मुझे फ़ायदा देंगे तो मैं आपको फ़ायदा नहीं दूँगा, तो एज़